नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम साधारणतः सरकारों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते रहते हैं। आज 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा के गठन हेतु निर्वाचन आयोजित है, जिसमें हम अपना मताधिकार का प्रयोग कर सरकार चुन सकते हैं। मताधिकार पर हम एक नजर डालें तो राज्य के नागरिक को देश के संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार चलाने हेतु अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए अधिकार जो प्राप्त है उसे मताधिकार कहते हैं। जनतांत्रिक प्रणाली में इसका बहुत महत्व है। लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। इस प्रणाली पर आधारित समाज व शासन की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मत का अधिकार प्रदान किया जाए। जिस देश में जितने ही अधिक नागरिकों को मताधिकार प्राप्त रहता है, उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है। इस प्रकार हमारा देश संसार के जनतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ मताधिकार प्राप्त नागरिकों की संख्या विश्व में सबसे बड़ी है। अब एक नजर हम डालें, क्या वोटिंग राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? यदि हम अधिकारों को आज के इस विषय पर वर्गीकृत करें तो हमें तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। एक साधारण विधिक अधिकार, दूसरा संवैधानिक अधिकार और एक हमारा संवैधानिक मूल अधिकार। अभी हमारे शीर्ष अदालत में कुछ याचिका की सुनवाइयों के समय माननीय न्यायालयों ने कहा कि जो मूल अधिकार है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर मताधिकार को देखें तो वह भी एक मूल अधिकार है। शीर्ष अदालत में दो याचिकाएं में से एक याचिका इस प्रश्न पर आधारित है कि क्या कोई व्यक्ति किसी चुनाव में एक साथ दो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से अभ्यर्थी हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। उसी तरह एक और याचिका है जिसमें चुनाव आयोग को लेकर प्रश्न किए गए हैं। इन्हीं इन दोनों याचिकाओं में यह कहा गया है कि मूल अधिकारों में भी मताधिकार शामिल है। इस तरह यदि हम आगे देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनावों के आधार के रूप में परिभाषित करता है। सार्वजनिक मताधिकार से तात्पर्य है कि सभी नागरिक जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जाति या शिक्षा, धर्म, रंग, प्रजाति और आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद वोट देने के लिए वे स्वतंत्र हैं। यदि हम आगे आर्टिकल 326 को सा अक्षर देखें तो आर्टिकल 326 इस प्रकार है, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवासी विकृतचित्त अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निहारित नहीं कर दिया जाता,
ऐसे किसी निर्वाचन में मतदान के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। इस तरह यदि हम देखें तो मताधिकार वह हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। विधिक अधिकार की ओर ध्यान दें तो 62 यह कहता है कि मत देने का अधिकार कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली से तत्समय प्रवृत्त नहीं है, प्रविष्ट नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार ना होगा। और हर व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट है, इस अधिनियम के अन्यथा स्पष्ट उपबंधित के सिवाय निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का अधिकार होगा। आगे है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन में मत न देगा यदि वह लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 16 में निर्दिष्ट निहारताओं में से किसी के अध्याधीन है। आगे और यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति साधारण निर्वाचन में एक ही वर्ग के एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक में मत ना देगा, और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में मत दे तो ऐसे सब निर्वाचन क्षेत्र में से उसके मत शून्य होंगे। आगे है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत ना देगा कि उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है, और यदि वह ऐसे मत देता है तो वह निर्वाचन क्षेत्र में उसके सब मत शून्य होंगे। और आगे सेक्शन 5 जो है उपधारा 5 जो है उसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वाचन के दंडादेश के अधीन है या अन्यथा कारावास में परिरुद्ध है या पुलिस के विधिपूर्ण अभिरक्षा में है। इस प्रश्न को लेकर भी कि क्या कोई कारावासित व्यक्ति नागरिक मताधिकारी मताधिकार का उपयोग कर सकता है, एक याचिका लंबित है जिसमें यह प्रश्न उठाया गया है कि वे व्यक्ति जो इनोसेंट हैं और वह किसी कारण से कारावास में हैं तो क्या उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। इस सेक्शन में कुछ परंतु भी दिए गए हैं, उन्हें भी हम एक नज़र पढ़ लेते हैं। परंतु इस उपधारा की कोई बात की थी, तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारण निरोध के अध्याधीन व्यक्ति को लागू नहीं होती है। परंतु यह और कि कोई व्यक्ति जिसका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज किया जा चुका है, इस उपधारा के अधीन मत देने से प्रतिषेध के कारण मतदाता होने से प्रवर्तित नहीं होगा, अर्थात वह मत दे सकता है। आगे यह और कहा गया है कि धारा 3 और 4 में कोई बात कही गई है, किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी मतदाता की ओर से, जहां तक वह ऐसे मतदाता की ओर से परोक्षी यानी उसके तरफ से किसी मतदाता की तरफ से वह वोट दे रहा है, प्रॉक्सी वोटर है के रूप में मत देता है, तो ऐसे परोक्षी के रूप में मत देने के लिए अगर उसे प्राधिकृत किया गया है। इस प्रकार से इन प्रावधानों को अगर हम देखें तो मताधिकार आज के समय में एक साधारण विधि का अधिकार है और वहीं एक संवैधानिक अधिकार भी है जैसा कि 326 में वर्णित है, मगर अभी इसे हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के रूप में इसे नहीं देखा जा रहा है। जहां तक इसके मूल अधिकार होने की बात है, इस पर हमें थोड़ा चिंतन मनन कर कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।